दोस्तों कैसे हो सर? बढ़िया, मैं शांतनु। सेट टू गो में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो मेरा बैंगलोर से गोवा, फिर गोवा से मैंगलोर तक जो ट्रिप मैंने किया था उसी का एक हिस्सा है। आज का वीडियो में मैं आपको ले जा रहा हूँ गोवा से गोकर्ण तक। गोवा से गोकर्ण का डिस्टेंस पड़ता है 132 किलोमीटर, जो मुझे लगा था लगभग 4 घंटा, क्योंकि बीच में करवाड़ बीच था। दोस्तों इतना अच्छा लगा मुझे वो बीच, क्या बताए। जो लोग अभी तक करवाड़ बीच नहीं देखे, जो कि कर्नाटक में है, उन लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जरूर एक बार वो बीच विजिट कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के साथ करवाड़ का कुछ वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, कैसा लगा आपको कॉमेंट पे जरूर बताना दोस्तों। तो चलिए चलते है गोकर्ण। दोस्तों गोवा से गोकर्ण तक रास्ता बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था। और ये जो राइट साइड में आप बीच देख रहे हैं ना, यही है करवाड़ बीच। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ड्रोन व्यू दिखाता हूं। ऊपर भी बैठने का जगह है क्या ऊपर? गोकर्ण पहुंच के मैं जो होटल लिया था 1500 करके पर डे हिसाब से वो पड़ा था। तो होटल में लंच करके मैं वहां से सीधा चला आया था गोकर्ण का मशहूर ओम बीच पे। ये रहा वीडियो आपके लिए। Thank you.
गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम गोकाना बीच। सुबह सुबह आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी महाबलेश्वरम टेम्पल जो है वहीं पे जाएंगे, तो पहले थोड़ा बीच घूम लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। गोकर्ण बीच तो देख लिया दोस्तों, चलिए अब चलते हैं गोकर्ण का मशहूर महाबलेश्वर शिव जी का टेम्पल देखने। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ टेंपल का मेन गेट जो है, जहाँ से सब लोग के लिए अलाउ है, उसी गेट पे। यहाँ पे सभी को अपना अपना चप्पल ये सब छोड़ के, फिर पीछे देखिए वहाँ पे पैर धो के फिर आपको मंदिर में प्रवेश करना है। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पे आप पहन के ये सब पहन के आप नहीं जा सकते,
उसके ऊपर आपको धोती पहनना होगा, उसके बाद ही आपको अंदर पे अलाउ करेगा। और के अंदर में कैमरा ये सब अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर का मूर्ति जो है अंदर में वो सब मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो आप लोग जब आइएगा तो आप लोग देख लीजिएगा फिर। चलिए अब आपको लेके चलते हैं गोकर्ण का मशहूर फोर्ट मीरजान फोर्ट पे। और गोकर्ण से मीरजान फोर्ट का डिस्टेंस पड़ता है 22 किलोमीटर, जो कि 16 सेंचुरी में बना था और इसको बनाए थे चन्ना वैरव देवी, जिसको पेपर क्वीन के नाम पे भी जाना जाता है। मीरजान फोर्ट से निकल के मैं चला गया था साउथ इंडिया का मशहूर मुद्रेश्वर टेम्पल देखने, जिसका वीडियो अभी थोड़ी दिन में आने वाला है दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, उन लोगों को रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ दोस्तों। सब अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, जुड़े रहिएगा सेट टू गो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।